नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़े में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड 19 के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खबरों की माने तो बीते दिन आए सभी मामलों को मिलाकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए चौथे अपडेट तक बिहार में प्रभावितों का आंकड़ा 528 हो गया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के प्रभावित जगहों की बात करें तो मुख्य रूप से मधुबनी, वेस्ट चंपारण, बेगूसराय, कैमूर, समस्तीपुर से पाए गए हैं। वहीं मरीजों के लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित इलाके में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करवाने की अपील की है। साथ ही सभी आम नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा गया है। समस्तीपुर में कोविड 19 ने दी दस्तक। बिहार के सभी जिले में धीरे धीरे करके कोविड 19 अपने पैर पसार रहा है। बीते दिन जहां समस्तीपुर को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए लिस्ट में ग्रीन जोन में डाला गया था, वहीं अब समस्तीपुर से कोविड 19 प्रभावित व्यक्ति के मिलने की खबर आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बीते दिन अपडेट के अनुसार समस्तीपुर में एक नए मामले की पुष्टि की गई है। बिहार में बीते दिन पहले अपडेट के तहत 6 नए मामले की हुई पुष्टि। बिहार में कोविड 19 का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन पहले अपडेट के मुताबिक 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। खबरों की माने तो यह सभी मामले लगभग मधुबनी, पश्चिम चंपारण से मिले हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार में अब तक लगभग 29,000 सैंपल की जाँच हो चुकी है। वहीं बिहार में अब तक 500 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्र और मजदूरों से किराया नहीं लेने का किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों का किराया माफ करने का ऐलान जारी किया है, जिसके तहत बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना संदेश जारी करते हुए यह कहा कि बाहर से आ रहे छात्रों को रेल का किराया नहीं देना है, बल्कि राज्य सरकार रेलवे का पैसा देगी। मजदूरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो जो स्टेशन पर आएंगे, वहां से उन्हें उनके प्रखंड मुख्यालय तक ले जाया जाएगा, जिनसे भी कोई किराया नहीं ले जाएगा, और जिन लोगों ने किराया दे दिया है उन्हें सरकार पैसे वापस दे देगी। बिहार में स्वस्थ हुए कोविड 19 पॉजिटिव मरीज। बिहार में जहां एक तरफ कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा बढ़ता देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कोविड 19 से प्रभावित लगभग 1/4 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इतना ही नहीं, स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा देखकर कोविड 19 से प्रभावित व्यक्तियों को भी काफी हिम्मत मिल रही है, जिसके बाद बिहार में अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा कुल मिलाकर 129 पर पहुंच गया है। 2.50 लाख प्रवासी श्रमिकों को किया जाएगा आइसोलेशन में शिफ्ट। सभी प्रवासी श्रमिकों के हित में आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रवासी मजदूरों को बिहार में आने की अनुमति दे दी है। इसके बाद बिहार में प्रवासी मजदूरों और छात्रों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं सरकार ने भारी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए लगभग 2.50 लाख प्रवासी श्रमिकों को आइसोलेशन में शिफ्ट करने का ऐलान जारी किया है। वहीं सरकार ने सभी आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए दूध से लेकर शैम्पू तक के तमाम इंतजाम कर दिए हैं। कोटा से गया पहुंचे 994 छात्र। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार बीते दिन कोटा से गया 994 छात्र पहुंच गए हैं। खबरों की माने तो सरकार द्वारा चला रही स्पेशल ट्रेन बीते दिन दोपहर गया जंक्शन पहुंची, जहां बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार के साथ जिला और रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ताली बजाकर सबका स्वागत किया। जंक्शन पर स्क्रीनिंग के बाद सरकारी बसों में सभी को उनके इलाके में भेज दिया गया। वहीं ताजा आंकड़ों के हिसाब से गया के 364 छात्र थे, वहीं नवादा के 259, औरंगाबाद के 241, जहानाबाद के 93 और अरवल के कई छात्र शामिल थे। बिहार के सरकारी स्कूल में पहली से 12वीं तक के पढ़ाई के लिए सरकार ने लिया फैसला। बिहार के सरकारी स्कूल के पहली से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई के लिए सरकार ने कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि बंद की परिस्थिति में भी छात्रों का समय बर्बाद ना हो और पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आ पाए। जिसके लिए बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में पहली से 12वीं तक के छात्रों की किताबों को ऑनलाइन करने का मन बना लिया है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। अगर इस पर तेजी से अमल हुआ तो पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों की किताब अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार के रेड जोन वाले जिलों में डीजीपी खुद से करेंगे निगरानी। बीते दिन से तीसरे चरण के बंद की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बिहार में बढ़ते असर के कारण ग्रीन जोन के प्रावधान को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके बाद अब बिहार में सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन ही बच गए हैं, और यही वजह है कि बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने अब खुद से बिहार के सभी रेड जोन वाले इलाकों का जायजा लेने का ऐलान जारी किया है, जिसकी शुरुआत वह आज से करने वाले हैं। आपको बता दें, राजधानी पटना, मुंगेर, गया, रोहतास और बक्सर समेत 5 जिले फिलहाल रेड जोन में हैं, वहीं बाकी सभी जिले को ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। बीते दिन से फिर से शुरू हुआ बिजली मीटर की रीडिंग का काम। कोविड 19 के कारण तीसरे चरण में बंद की शुरुआत कल से हो गई है। इसी बीच 4 मई से बिहार में बिजली मीटर की रीडिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने बिहार के कामों को प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं रखा है। इसे देखते हुए कंपनी ने रीडरों को सावधानी बरतते हुए रीडिंग करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद साउथ बिहार कंपनी के महाप्रबंधक राजस्व अरविंद कुमार की ओर से इस बात को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। खबरों के माने तो केंद्र सरकार का यह निर्णय कम कलेक्शन के कारण लिया गया है।
बिहार सरकार के साथ बातचीत के बाद शिक्षकों ने छोड़ी अपनी जिद। बिहार में लगातार कोविड 19 के जारी जद्दोजहद के बीच शिक्षक अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे। वहीं बीते दिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांग को छोड़ने का ऐलान जारी किया गया है। खबरों की माने तो शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे ने कहा कि बिहार में माध्यमिक शिक्षकों की मांग अब खत्म हो गई है। वहीं उन्होंने आगे यह भी बताया कि शिक्षकों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम के साथ ही सभी शिक्षकों को वेतन देने के फैसले के बाद यह कदम उठाया गया है। वहीं सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने शिक्षकों के इस कदम की जानकारी दी है। बंद के बाद हाईकोर्ट में एलपीए दायर करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने बीते दिन अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि सरकार बंद के बाद हाईकोर्ट में एलपीए को दायर करेगी, जिसके बाद ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि कोविड 19 के बढ़ते असर की वजह से हाई स्कूल में छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को रोक दी गई थी, जिससे कि छठे चरण में लगभग 10,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि कई जिलों में अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार हो चुकी है। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी पंचायतों में बस स्टैंड बनाने का जारी किया ऐलान। बिहार सरकार के परिवहन विभाग में 500 पंचायतों में बस स्टैंड बनाने का ऐलान जारी किया गया है, जिसके लिए सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके तहत प्रदेश भर के 500 पंचायतों में बस स्टैंड का निर्माण शुरू करवाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना होगा। इतना ही नहीं, परिवहन व्यवस्था के लिए आधारभूत सुविधाओं को ग्रामीण स्तर तक मुहैया करवाने का भी होगा। आपको बता दें, ग्रामीण इलाकों में निश्चित स्टैंड नहीं होने के कारण वाहन अपने मन मुताबिक जहां तहां पैसेंजर को चढ़ाते और उतारते हैं। नवादा में तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली। नवादा के तालाब में भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। खबरों की माने तो जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र में जमुआव गांव में तालाब की खुदाई में विष्णु की मूर्ति मिली है, जिसके बाद लोगों ने वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की माने तो तालाब में मिट्टी खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 4 फीट ऊंची प्रतिमा मिली है, जिसकी सूचना मिलते ही गांव समेत आसपास के इलाके के लोग जुट गए थे। प्रतिमा की एक झलक देखने के लिए लोगों के बीच काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला था। कुछ लोग भगवान विष्णु की मूर्ति निकालना गांव के लिए शुभ भी मान रहे हैं। कांग्रेस ने स्पेशल पैकेज देने की उठाई मांग। कोविड 19 के बढ़ते असर के दौरान बंदी को लेकर अन्य राज्यों से मजदूर वापस लौट रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि आने वाले मजदूरों के पास न रोजगार का साधन है और न ही इसके लिए सरकार के पास कोई कार्य योजना है, जिसके तहत अब पार्टी ने केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग की है, जिसकी जानकारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ललन कुमार ने बीते दिन दी है और कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो कम से कम इन प्रवासी मजदूरों के रोजगार का साधन तो उपलब्ध करवा दे। बिहार में शहरीकरण पर दिया जा रहा है जोर। बिहार में शहरीकरण को लेकर तैयारी जोरों शोरों से जारी है। शहर में शहरी निकाय की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए शहरीकरण के मानकों को बदले जाने की तैयारी भी की जा रही है, जिसका खाका सरकार ने तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो राज्य की किसी क्षेत्र के कुल कार्यशील जनसंख्या की 75% आबादी गैर कृषि आधारित होने पर भी उसे शहरी निकाय में तब्दील किया जा सकता है। वहीं कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में 150 तक शहरी निकायों का गठन हो सकता है। मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड ने जारी किए कई अहम दिशा निर्देश। जहां एक तरफ इंटर के रिजल्ट को बिहार बोर्ड ने समय पर जारी कर दिया था, वहीं मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे थे, जिसके बाद एक बार फिर से मैट्रिक के कॉपियों के मूल्यांकन को 17 मई तक टाले जाने की खबर सामने आई थी। वहीं कुछ ही देर बाद बिहार बोर्ड समिति में आने वाले 2 दिनों में इस बाबत फैसला सुनाने का आदेश जारी किया है। वहीं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार 75% कॉपी के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं शेष बचे कॉपी मूल्यांकन के काम को लेकर आने वाले 2 दिनों में फैसला सुना दिया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर के 255 रिक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक किया गया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई असिस्टेंट इंजीनियर के 255 रिक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। वेबसाइट पर आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो गया है। आपको बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए रिक्तियां सहायक अभियंता, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या असैनिक यांत्रिक पदों के लिए है। इसके लिए अब इच्छुक उम्मीदवार 18 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्कूल बंद रहने के बावजूद छात्रों के खाते में मिड डे मील की राशि डाली जाएगी। उक्त जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भले ही कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण सभी सरकारी स्कूल फिलहाल बंद है, लेकिन छात्रों के खाते में उनके मिड डे मील की राशि पहुंचाई जाएगी, जिसके तहत नामांकित 1.29 करोड़ छात्रों के खाते में मिड डे मील भोजन योजना के तहत 378.70 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों में छात्रों को पका भोजन देना भी संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने कार्य दिवस के अनुसार सभी नामांकित छात्रों को मिड डे मील की राशि उनके खाते में भेजने का निर्णय लिया है। केरल से 2500 लोगों को लेकर दानापुर पहुंची 2 ट्रेन। केरल से बीते दिन 2500 लोगों को लेकर 2 ट्रेन दानापुर पहुंच गई है, जहां पहुंचने के बाद स्टेशन के पास बने टेंट में उन सभी यात्रियों का हेल्थ चेकअप करवाया गया है। वहीं जांच के बाद इन यात्रियों को जिस जिले में जाना था वहां के लिए बस से रवाना किया गया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार स्टेशन परिसर को भी सैनिटाइज करने का काम किया गया। सिर्फ केरल से ही नहीं, बीते दिन कोटा से भी भारी संख्या में यात्रियों की वापसी हुई है।
बरसों बाद सीतामढ़ी से दिखा नेपाल का पहाड़। कोविड 19 ने भले ही आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है, मगर इसके कारण हुए बंद की वजह से पर्यावरण को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। हवा में हानिकारक कण अब कम हो गए हैं, हवा भी अब साफ हो गई है और इसी का प्रमाण हाल ही में सीतामढ़ी में देखने को मिला है, जहां पर दशकों बाद नेपाल का पहाड़ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। आपको बता दें, सीतामढ़ी से नेपाल के पहाड़ी इलाके की दूरी करीब 123 किलोमीटर के करीब है, मगर हवा के साफ होने के कारण सीतामढ़ी से आसानी से इन पहाड़ों को देखा जा सकता है। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लोकेशन क्लियर ही नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव का बिहार में अता पता नहीं है, 45 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जब पास बन रहा है तो सरकार के लिंक पर आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ट्रेन से बिहार वापस लौट आना चाहिए। शायद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 21 दिन आइसोलेशन में रहने की चिंता सता रही है और यही कारण है कि वह वापस नहीं आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही किया है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि देश के कई हिस्सों में फंसे बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले नीतीश कुमार जी अब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनके सुझाव पर लोगों के लिए ट्रेन शुरू की है। सर, आपने यह सुझाव कब दिया और उसको मानने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या गरीब लोगों से भाड़ा ना लेने का सुझाव भी आपका ही है? आपको बता दें, बीते कई दिनों से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल मजदूर से ट्रेन का किराया लेने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किराया नहीं लेने का ऐलान जारी किया था। लॉकडाउन के बढ़ने से भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा है खुश। जहां कुछ लोग केंद्र सरकार द्वारा बंद के आदेश को बढ़ाए जाने की आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा केंद्र सरकार के लॉकडाउन 3.0 से काफी ज्यादा खुश है, जिसके तहत मोनालिसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरों को शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, लॉकडाउन में सकारात्मकता, शक्ति, एकजुटता है, यह सब ईश्वर की कृपा है, जिसको काफी सारे लोगों ने पसंद किया है और लोग मोनालिसा के दिए सुझाव का पालन भी कर रहे हैं और घर पर ही खुश और स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ। जहां एक तरफ भारत में लगातार महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल उठते देखे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों के लोग महेंद्र सिंह धोनी के खेल और कप्तानी की सराहना करते रहते हैं। इसी क्रम में हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुश्ताक अहमद का मानना है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना आता है और अब टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली भी ऐसा ही कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व क्रिकेट के शीर्ष लेग स्पिनरों में युजवेंद्र चहल है, लेकिन क्रीज का बेहतर इस्तेमाल करने से वो और प्रभावी हो सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है धर्मेंद्र कुमार, शीतल कुमारी, अभिलाषा देवी, राम सिंह, ललिता कुमारी, प्रमोद कुमार, देवेंद्र कुमार, उज्ज्वला सिंह, भानु यादव, लाल कृष्ण सिंह, म्यूजिक रॉक्स, सत्येंद्र कुमार, आशुतोष कुमार, अमित कुमार, आलोक कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सरकार द्वारा घोषित किए गए रेड जोन और ऑरेंज जोन के नियमों का आप पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।